हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ लाइफ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर की तरफ से जो हर साल रिक्रूटमेंट आता है, तो गाइस आज से लिंक एक्टिव हो चुका है। तो फाइनली तो गाइस, आप लोग को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रीमियर फॉर्म तक आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, इसीलिए आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो गाइस, आप लोग को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलता रहेगा, पूछता रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोगों को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली से आप लोगों को क्लिक हियर टू रजिस्टर बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। गाइस, जैसे इस बटन पर क्लिक करोगे तो पहले आपको आपका क्रिएट रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर आपका कैंडिडेट फुल नेम डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद इस पर जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड किया जाएगा अलग अलग से। यहाँ पर ईमेल आईडी ओटीपी डाल देना, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ओटीपी डाल देना। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको देख रहे हो सिम बेसिस पर डाल देना। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड सेंड किया जाएगा। तो आपको भी आपके हिसाब से फिर से अपने तो आ जाना बैक पर, लॉगिन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका यूजर आईडी होता है, आपका रजिस्टर ईमेल आईडी होता है, उसके बाद पासवर्ड जो उन लोग सेंड किया जाता है वो आपको डाल देना। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिर से आपको इस पर डाल देना, लॉगिन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट ऑप्शन देने को मिलेगा। तो उन लोग का डिवाइस से उन लोग पासवर्ड चेंज किया जाता है, तो आपको भी आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको खुद आपको क्रिएट करना होगा दोस्तों। क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली फिर से आप लोग को लॉग आउट हो जाएगा, उसके बाद लॉगिन करने के बाद इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना सिंपली से, यहाँ बटन पर सिंपली से इस बार टिक मार्क कर देना। तो मैंने तो टिक मार्क ऑलरेडी करके रखा है, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं इस तरफ से टिक मार्क कर देना। उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिल जाएगा। तो आपको ये सब आप लोग को फिलअप करना होगा दोस्तों। कैसे फिलअप करना होगा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली से इस पर आपका फादर नेम डाल देना, उसके बाद इस पर आपका मदर नेम, उसके बाद आपका जेंडर मेल एंड फीमेल। तो आपको भी आपको इसे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पर आप लोग को, आपको भी आपको हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना दोस्त। उसके बाद यहाँ पर आर यू सर्विंग NCIF में अगर है तो आपको सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज सिंपली से आप लोग को नो कर देना। तो चलो मैंने नो कर दिया। तो सारी फिलअप करने के बाद आप लोग को सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो दोस्तों। गाइस, आपको भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटक से सारी फिलअप कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, फाइनली सारी मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों। सारी फिलअप करने के बाद सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। इस तरफ से आप लोगों को कंफर्म करने का आपका डिटेल आ जाएगा, तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, सिंपली से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो पर्सनल डिटेल से सक्सेसफुली ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से लोडिंग लेगा, तो आप लोग को नेक्स्ट पेज खोल के आ जाएगा इस तरफ से। अभी यहाँ पर आप लोग को कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, किस कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास 12 इंटरमीडिएट आपका आपका सब्जेक्ट में इंग्लिश इंग्लिश विदाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स, 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको 3 पोस्ट देने को मिलेगा, 3 पोस्ट देने को मिलेगा। तो कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, तो कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस मैं आप लोग को सेलेक्ट अप्लाई करके देखने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये पोस्ट 10+2 इंटरमीडिएट ये पोस्ट आप लोग को अप्लाई करके देखना, सिंपली से इस बटन पर टिक मार्क कर देना दोस्तों। देख सकते हैं टिक मार्क हो चुका है। उसके बाद इसमें क्या बताएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, हैव यू डिक्लेयर पास क्लास 12 पास, आप पास है क्या, इसमें आपका सजा आपका 50% आपके पास है क्या, तो आप लोग को सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज आप लोग को नो कर देना। अगर नो करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल बताया जाएगा। इसके बाद जैसे यस बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर आप लोग को सीखने को मिलेगा, हैव यू एवर पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है तो सिंपली से आपको यस कर देना,
अदरवाइज आप लोग को नो कर देना, इस तरफ से भी नो कर सकते हो। अगर नो करोगे तो आपका स्ट्रीम फिर से आप लोग को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, आर्ट्स साइंस कॉमर्स यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलो मेरा तो गाइस आपको भी आपको हिसाब से इस तरफ से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरा तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो इसलिए मेरा यस पर यस करूंगा। जैसे यस करूंगा तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली से फिर से आ जाएगा साइंस आर्ट्स कॉमर्स देने को मिले, तो साइंस आप लोग को फिर से सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। जैसे देख सकते हो फाइनली मैंने सिलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद इसमें देख सकते हो ग्रुप अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट एंड ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिंपली से सिलेक्ट ग्रुप पर सिंपली से क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोग को दोस्तों देख सकते हो साइंस सब्जेक्ट से भी अप्लाई कर सकते हो, अदर देन साइंस सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा बोथ साइंस एंड अदर देन सब्जेक्ट पोस्ट, तो आपको भी आपको हिसाब से आप दोनों अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों पोस्ट में अगर अप्लाई करना चाहते हो नीचे वाला बोथ साइंस एंड अदर देन वाला सब्जेक्ट अप्लाई कर लेना। तो गाइस मैं आप लोग को मैं दोनों वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट एजुकेशन बटन पर सिंपली इस बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका बोर्ड सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, इंडिया में जितना बोर्ड है आपका बोर्ड है यहाँ पर, आपका भी आपको हिसाब से कौन सा क्लास बोर्ड में हमने क्लास 12 पास किया है तो आपको सेलेक्ट कर लेना, तो आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका आपका क्लास 12 में आपका क्लास 12 में आपका परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज सिंपली से डाल देना। तो चलो आपको भी आपको हिसाब से परसेंटेज डाल देना। उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज आपको डालना होगा दोस्तों, यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज। तो उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, आपका मार्कशीट पर क्या है परसेंटेज वाइज से, अगर CGPA ग्रेट है तो आपको भी आपको हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, अगर CGPA है तो CGPA सेलेक्ट कर देना, अगर ग्रेट है तो ग्रेट सेलेक्ट, क्योंकि मेरा तो परसेंटेज वाइज है तो इसलिए मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे परसेंटेज सेलेक्ट करूंगा तो दोस्तों इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। अगर परसेंटेज सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में कितना सब्जेक्ट आपने मार्क ऑप्टेन किया है यहाँ पर डाल देना फुल मार्क, और सब्जेक्ट वाइज यह परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। मैथ्स देखने को मिलेगा, मैथ्स से भी आपको फिलअप कर देना, टोटल मार्क्स आपने कितना मार्क ऑप्टेन किया है और टोटल मार्क यहाँ पर डाल देना, उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरफ से आप लोग को सारी फिलअप करना होगा दोस्तों। अगर सपोज अगर आपके पास CGPA है, CGPA होने से भी CGPA सिंपली से सेलेक्ट कर देना होगा दोस्तों। जैसे CGPA सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा, तो थोड़ा लोडिंग ले रहा है आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो अगर ग्रेडिंग सिस्टम होने से भी आपको ग्रेडिंग होने से भी देख सकते हो, ग्रेडिंग मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, आपका इंग्लिश में आपका मार्क ऑप्टेन कितना है परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपका मार्क ऑप्टेन में आपका ग्रेडिंग कितना है, आपको आपका ग्रेड क्या है ABCD है, तो आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मैं CGPA में आप लोग को फिर से आप लोग को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर CGPA अगर सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आपका देखने को मिलेगा आपका टोटल, यहाँ पर आपको मार्क ऑप्टेन कितना ऑप्टेन हमने CGPA है, टोटल ऑप्टेन कितना है CGPA, ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ पर CGPA आ जाएगा। तो गाइस आपको भी आपको सबसे सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा परसेंटेज है, परसेंटेज मैंने बताया था दोस्तों, इसमें आपका टोटल मार्क ऑप्टेन कितना किया है, यहाँ पर टोटल मार्क परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना दोस्तों, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आप कंप्यूटर नॉलेज है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मैं यस कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पास कंप्यूटर नॉलेज है। इसके बाद यहाँ पर यस करोगे तो कंप्यूटर नॉलेज टाइप यहाँ पर सिंपली से सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके पास बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस है तो आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा इंटरमीडिएट नॉलेज है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड मार्क, यहाँ पर आपका एडिशनल मार्कशीट है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मैंने नो कर दिया क्योंकि मेरा एडिशनल मार्कशीट नहीं है। तो इसमें और फीचर्स दिया गया दोस्तों, हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन है तो सिंपली से इस पर देने को मिलेगा ग्रेजुएट स्टेटस, पार्सुइंग देने को मिलेगा कम्प्लीटेड, डिसकंटिन्यू नॉट एप्लीकेबल। अगर फाइनल ईयर में अगर डिग्री करे तो सिंपली से पार्सिंग कर सकता है, अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट कर देना, अगर पढ़ाई भी नहीं किया तो डिग्री में नॉट एप्लीकेबल बटन पर क्लिक कर देना। तो चलो मैं पार्सिंग लिख लेता हूँ क्योंकि मैं अभी फाइनल ईयर हूँ तो इसलिए मैं पार्सिंग लिख लेता हूँ। अगर पार्सिंग लिखे हुई तो इसमें टाइप आप लोग को देने को मिलेगा, यहाँ पर इंजीनियरिंग टाइप है नॉन इंजीनियरिंग, तो आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मैं इंजीनियरिंग मेरा है, अगर इंजीनियरिंग में सेलेक्ट करोगे तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है इंजीनियरिंग में, तो आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मैं इलेक्ट्रिकल है, मैंने इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर दिया। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है दोस्तों, ये आप लोग को आ गया जो लोग ये मैंने देखा है जो लोग हायर एजुकेशन के लिए, अगर ये फिल करना चाहते हो तो दोस्तों फिल भी कर सकते हो। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आपको बाद में भी नौकरी मिलने के बाद आपको प्रमोशन के लिए फायदा होगा। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गए दोस्तों। तो चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना। तो चलो आपको मेरा हिसाब से मैं फटाक से सारी फिलअप कर लेता हूँ।
तो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने सारी फिलअप कर दी दोस्तों। सारी फिलअप करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली से आप लोग को सेफ बॉटम पर सिंपली से क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे सेफ बॉटम पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली हो चुका है। ओके बॉटम पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ओके बॉटम पर क्लिक करोगे तो गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप लोग को दोस्तों देख सकते हो क्लास 10 का जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, उसके बाद इसमें क्लास 12 का मार्कशीट जो भी हो आपका आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड कर देना। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से आप लोग को यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हो, उसके बाद फेच डिजी लॉकर थ्रू भी अपलोड कर सकते हो दोस्तों। इसमें और दिया गया दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से आप लोग को क्या करना है दोस्तों, चूज फाइल बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे चूज फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सेफ बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा क्लास 10 का सर्टिफिकेट यहाँ पर आ चुका है। तो फाइनली उसका बाद सिंपली से सेफ बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे सेफ बटन पर क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट सेफ सक्सेसफुली ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से थोड़ा लोडिंग लेगा। तो आप लोग को देख सकते हो फाइनली क्लास 10 का मार्कशीट अपलोडेड हो चुका है। इसमें मैं आप लोग को बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट साइज होता है दोस्तों, इसमें जेपीजी फाइल में आप लोग को 50 KB टू आप लोग को 150 KB के बीच में आप लोग को अपलोड करना होगा दोस्तों। मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट साफ साफ बताना चाहूँगा। सेम इसी तरफ क्लास 12 का भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से आपका जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सेफ बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मेरा डॉक्यूमेंट फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने डॉक्यूमेंट देख सकते हो फाइनली सिलेक्ट कर चुका है, फाइनली आ चुका है। ओके सेफ बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। देख सकते हो डॉक्यूमेंट सेफ सक्सेसफुली ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से आप लोग को थोड़ा लोडिंग लेगा, इस तरफ से आप लोग को देने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हो फाइनली हो चुका है। उसके बाद आप लोग को सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना गाइस। जैसे सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ओके बटन पर फिर से आप लोग को देने को मिलेगा आपका, इसमें आप लोग को आपका एड्रेस डालना होगा दोस्तों। इसमें आप लोग का आपका एड्रेस क्या है, यहाँ पर आपको पहले आपका आपका हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर आप लोग को डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट डालना को मिलेगा, इंडिया में जितना स्टेट है यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, इंडिया में आपका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको सिर्फ सब डिस्ट्रिक्ट आप लोग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देने को मिलेगा, तो आपको भी आपको हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज नाम डाल देना, उसके बाद नियरेस्ट पोस्ट पुलिस स्टेशन, उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड नंबर 6 डिजिट, उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको देने को मिलेगा यहाँ पर आपका जो लोग इसमें आप लोग को दोस्तों देख सकते हैं इस पर आधार कार्ड नंबर, ये जो लोग एलिजिबल है वो लोग के लिए दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन देने को मिलेगा 12 डिजिट। इसमें आप लोग को कैंडिडेट आर टू कैरी देर आधार कार्ड यहाँ पर देने को मिलेगा जो लोग यहाँ पर आप लोग को दोस्तों देख सकते हो। और इस जगह में अगर बिलोंग करते हो तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू जम्मू कश्मीर असम मेघालय, अगर इन तीनों स्टेट में अगर आप बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर ये नहीं देने से भी आप लोग को चलेगा, लेकिन अदर स्टेट लोग तो आप लोग को ये आधार नंबर देना जरूरी है दोस्तों, इसमें ऑप्शनल दिया गया है दोस्तों। लेकिन जब आप इंटरव्यू तक जाओगे तो आप लोग को ये आधार कार्ड लेके जाना होगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली से आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली से इस बटन पर टिक मार्क कर देना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोग को सारी फिलअप हो जाएगा। तो गाइस आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, सारी फिलअप करने के बाद सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। तो चलो आपको भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से सारी फिलअप कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली सारी मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों। सारी फिलअप करने के बाद यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट आपका स्टेट कहाँ है, यहाँ पर आपका इंडिया में जितना स्टेट है आप लोग को फिर से आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, आपका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस चलो मैं फटाक से सारी मैं फिलअप कर चुका हूँ। उसके बाद सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। तो गाइस देख सकते हो मेरा हाउस नंबर थोड़ा गलत है। तो गाइस जैसे सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना गाइस। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आपका मेजरमेंट डिटेल में आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग को ये आप लोग को कैसे फिलअप करना है ध्यान से देख लेना दोस्तों। इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पूछा गया दोस्तों, इसमें कैंडिडेट हाइट इसमें सेंटीमीटर, इसमें आपका आपका हाइट कितना है तो यहाँ पर आपका हाइट का डाल देना। आपका वेट कितना है, आपका वेट साइज यहाँ पर आपको डालना होगा दोस्तों। वेट साइज मतलब
यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन, आपका बॉडी में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप यहाँ पर आपको डाल सकते हो, अदरवाइज है तो अदरवाइज आप लोग को नील भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को कैंडिडेट चेस, आपका चेस कितना है नॉर्मल में वो आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको शू साइज, आपका आपका कितना शू साइज में आप लगाते हो तो आपको भी आपको हिसाब से लगा देना। तो चलो मैं नंबर 6 में लगाता हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये वेस्ट साइज एंड शू साइज आप लोग को अच्छा से डालना जरूरी है, ज्ञान से आप लोग को जितना आपको साइज है वो आपको मेजर से आपको डाल देना। क्योंकि अगर जब सपोज आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा आपको फाइनली सिलेक्टेड हो जाओगे तो फाइनली उनका वाइज से आपका शू आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को जब आप ज्वाइनिंग लेटर मिलोगे तब रिक्रूटमेंट आप लोग को ज्वाइनिंग के बाद आप लोग को डायरेक्ट उसका शू साइज से आपको दिया जाएगा। आपको शू एंड वेस्ट साइज आपका साथ उसका साइज से आप लोग को दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को जितना आपका साइज है उतना ही आपको डाल देना। तो नेक्स्ट बात करेगा तो दोस्तों इसमें दोस्तों देख सकते हैं आर यू सर्टिफिकेट होल्डर एमसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। अगर यस करोगे तो सिंपली से आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट कितना है ए बी सी डी, ए बी सी का होता है तो आपको भी आपके हिसाब से डाल देना। तो अगर नो करोगे तो इस तरफ से नो कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को आर यू ए चिल्ड्रेन सर्विंग रिटायर डिस्टेंस एयरफोर्स पर्सनल आई एफ एफ यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद यहाँ हैव यू डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी इंडियन नेवी एनी गल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अगर है तो यस कर देना अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मैं नो कर दिया। उसके बाद इसमें बताएगा तो डू यू नो ड्राइविंग, अगर आपको गाड़ी चलाना ड्राइविंग आता है तो सिंपली से यस कर देना। अगर यस करोगे तो इसमें आपका टू व्हीलर इसमें टैलेंट भी आपको देने को मिलेगा। अगर सपोज मैं टू व्हीलर सेलेक्ट कर दिया, जैसे कि मैंने ये टू व्हीलर मैंने सेलेक्ट कर दिया, टू व्हीलर मतलब आपको पता है जैसे बाइक ही है टू व्हीलर होता है और एल एम बी एस एम बी आपको भी आपके हिसाब से स्टेप से सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा टू व्हीलर आता है, अगर दोनों आता है तो आपको भी आपको गाड़ी चलाना भी आता है तो सिंपली से यो भी एल एम बी भी सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मैंने टू व्हीलर भी मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं अगर बाइक चलाने गाड़ी चलाने आता है आप लोग को सिलेक्ट करना अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मेरा तो बाइक चलानी बाइक चलाना आता है मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाना आता है तो इसलिए यस कर दिया। उसके बाद डू यू हैव नॉलेज इन एनी ट्रेडिंग वेल्डिंग सोल्डरिंग लेड्स, इसमें बताए तो सर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो सिंपली से यस कर दे अदरवाइज नो कर दे। तो चलो मैंने नो कर दिया। उसके बाद डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, अगर है तो सिंपली से यस कर दे अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मेरा नो। उसके बाद डू यू हैव एनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर है तो सिंपली से यस कर देना। अगर यस करोगे तो इस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा तो आपको भी अपने हिसाब से आपका नॉलेज क्या है। तो चलो मेरा नॉलेज है टाइपिंग स्पीड पर मिनट 35 वाट, तो चलो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बेसिक ये भी मैंने मुझे आता है बेसिक नेट ऑफ नेटवर्क वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद इसमें डू यू हैव नॉलेज इन अकाउंटिंग, अगर है तो यस कर देना अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मेरा आता है दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर आता है दोस्तों, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को डिप्लोमा इन टेली भी मुझे मेरा आता है तो मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव एनी अदर स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो सिंपली से यस कर देना। अगर यस करोगे तो यहाँ पर आपका स्किल का डिटेल यहाँ पर डालेंगे। तो चलो मैंने नो कर दिया दोस्तों मेरा नहीं यहाँ पे। डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन स्पोर्ट डिसिप्लिन, अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज इसमें देने को मिलेगा आपका स्पोर्ट का डिटेल है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल देने को मिलेगा। तो चलो मेरा स्टेट लेवल है तो मैंने स्टेट लेवल मैंने सेलेक्ट कर दिया, स्पोर्ट फुटबॉल है मेरा। उसके बाद दो लैंग्वेज नॉन अदर देन हिंदी इंग्लिश, अगर है तो सिंपली से यस कर देना। आपको भाषा है तो यहाँ पर आपका भाषा क्या का आता है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है यहाँ पर आप लोग को मेडिकल हिस्ट्री आपको पूछा जाएगा, आपका मेडिकल हिस्ट्री के बारे में इसमें पूछा गया, अगर जो भी आपका मेडिकल हिस्ट्री है तो इस पर डाल सकते हैं अदरवाइज ना भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको बेबी देने को मिलेगा, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पेरेंट आप लोग को देने को मिलेगा, अगर है तो यस कर देना। सारी फिलअप करने के बाद सिंपली से सेव एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक करना। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आपको भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटक से सारी फिलअप करता हूँ। तो गाइस सारी मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। तो गाइस देख सकते हैं एडिशनल डिटेल्स हैव सक्सेसफुली ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग को फोटो आप लोग को अपलोड करना होगा दोस्तों, फोटो अपलोड करना होगा दोस्तों, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आपको लेफ्ट थंबनेल अपलोड करना होगा दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इसमें साइज दिया गया दोस्तों 10 to 50 KB के बीच में होना जरूरी है। यहाँ पर आपको मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपका फुल नेम आपको लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद आपका DOP आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आप लोग को लिखना होगा दोस्तों, इसमें आप लोग को इसमें साफ साफ बताना जरूरी है दोस्तों। इसका साथ साथ इसमें लेफ्ट थंबनेल भी यहाँ पर आप लोग को लेफ्ट थंबनेल करके आप लोग को लेफ्ट थंबनेल अपलोड करना होगा दोस्तों।
इसमें इम्पोर्टेंट चीज है ये फोटो के ऊपर में आप लोग को फोटो में आप लोग को रिनेम करना होगा दोस्तों। यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ में पासपोर्ट फोटोग्राफ सेम इसी तरह आप लोग को रिनेम करना होगा दोस्तों। और सिग्नेचर भी इस तरफ से आप लोग को रिनेम करना होगा दोस्तों। लेफ्ट हैंड मेल भी इस तरफ से आप लोग को लेफ्ट हैंड मेल करना होगा दोस्तों। तो गाइस तो चलो आपको भी अपने हिसाब से बता लेना। तो चलो मेरे हिसाब से मैं फटक से कर लेता हूँ। तो गाइस फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से दोस्तों देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो अपलोड कर चुका है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से चूज फाइल बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना है दोस्तों। जहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से इस तरफ से आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटक से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा सिग्नेचर आ चुका है यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो। अगर कंटिन्यू टू इमेज अगर एडिट करना चाहते हो तो करेक्शन करना चाहते हो आपका करेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज स्किप बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे स्किप बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आपको थोड़ा लोडिंग रहेगा। तो गाइस देख सकते हो थोड़ा इनवेलिड दिखा रहा है, इस तरफ से आपको सेम अपलोड कर लेना। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो सिग्नेचर थंबनेल मेरा सारी अपलोडेड हो चुका है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, सिंपली से सेव एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो फाइनल सबमिशन करने के लिए दोस्तों इसमें सिंपली से टिक मार्क कर देना। इस चेकबॉक्स बटन पर सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हो फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली, ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो अभी आपका एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। इसमें आप लोग को सिटी ऑफ एग्जाम सिटी सेंटर फॉर पेज वन के लिए आप लोग को पहले इस पर आपका प्रिफरेंस आपका स्टेट सेलेक्ट कलर, उसके बाद सिटी स्टेट सेलेक्ट कलर। जैसे कि मैं स्टेट सेलेक्ट कलर चलो मैं इंडिया में जितना स्टेट है यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। उसके बाद सिटी फिर से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना। तो चलो आपको भी आपको हिसाब से इस तरफ से आप लोग को प्रिफरेंस वाइज से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना। इंडिया में जितना एग्जाम सेंटर है तो आप लोग को सारी यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो चलो मैं फटक से सारी फिलअप कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को सारी आप लोग को देने को मिलेगा। तो आपको भी आपको हिसाब से चलो मैं सारी में फटक से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो सारी मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर प्रिफरेंस फोर तक आप लोग को ऑप्शन देने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिटी सेलेक्ट करने के बाद स्टेट फिर से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करो ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो फिर से आपको इसमें स्टेज टू के बारे में आप लोग को ASC सेंटर प्रिफरेंस फॉर पेज टू देने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिफरेंस वन प्रिफरेंस टू प्रिफरेंस थ्री इस तरफ से आप लोग को प्रिफरेंस आप लोग को दोस्तों देख सकते हो कितना 12 प्रिफरेंस तक आप लोग को देने को मिलेगा। जैसे कि प्रिफरेंस में ये है जहाँ पे आप देना चाहते हो तो दोस्तों दे सकते हो सिलेक्ट कर लेना। तो चलो आपको भी आपको हिसाब से इस तरफ से आप लोग को सारी प्रिफरेंस जितना है तो आपको सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मैं फटक से सारी फ्लैग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली सारे मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। प्रिफरेंस वाइज यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा एक प्रिफरेंस आप लोग को एक ही आप लोग को एक प्रिफरेंस दोबारा से आप लोग को नहीं दे सकते हो। एक प्रिफरेंस ही होना चाहिए। देख सकते हो गाइस जैसे सेफ एंड कंटिन्यू बटन पर ओके बटन पर फिर से आप लोग को क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ओके बटन पर फिर से आप देने को मिलेगी यहाँ पर आप लोग को फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन देने को मिलेगा। तो प्रीव्यू ऑप्शन देने को डाउनलोड करने के लिए सिंपली से डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोग को पहले आप लोग को चेकबॉक ये आप लोग को सारे चेकबॉक करना होगा दोस्तों। उसके बाद डाउनलोड आप लोग करना होगा दोस्तों। तो गाइस इसमें आप लोग को दोस्तों देख सकते हो डाउनलोड करने से पहले आप लोग को इसमें आपका प्लेस आपका जगह का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा पहले। गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने डाउनलोड कर लिया। तो दोस्तों देख सकते हो डाउनलोड जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। गाइस देख सकते हो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, जब आप रिक्रूटमेंट में जाओगे आप लोग को ये क्या करना होगा दोस्तों, ये फोटो कॉपी आप लोग को सेम सिमिलर फॉर्म यहाँ पर आप लोग को पेस्ट करके लेके जाना होगा दोस्तों। गाइस ये आप लोग को फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से देख लेना। अभी तक दोस्तों रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ आप लोग को रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है दोस्तों। पेमेंट स्टेटस पेमेंट नॉट डन यहाँ पर देने को मिलेगा। पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी जनरेट होगा। तो फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको भी अच्छा से देख लेना। अच्छा से देखने के बाद अगर एडिट करना चाहते हो बैक बटन करके जो भी गलत है एडिट कर सकते हो। अदरवाइज पूरा सही तो सिंपली से इस बटन पर टिक मार्क कर देना। सारे टिक मार्क करने के बाद सिंपली से आपको कंटिन्यू टू पेमेंट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। तो आपको भी आपको हिसाब से पेमेंट कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं पेमेंट कर दूंगा। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ लाइक और को भी प्रेस कर देना। जब एडमिट कार्ड रिजल्ट भी निकलेगा इस चैनल में मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।